हाई एवरी वन, सो दिस इज़ बैंक निफ्टी वीडियो एंड बैंक निफ्टी आई एम वेरी हैप्पी गाइज, क्योंकि जो चीज़ भी मैंने बैंक निफ्टी में आपको कल बताई थी एग्जैक्टली वैसा ही होते दिखा। पहला, मैंने आपसे बोला था कि हमारे लिए हाई टारगेट 42,200 से 42,500 रहेंगे। लेट्स लुक एट दी टूडेज हाई, इट इज़ ऑलमोस्ट 42,000। तो 42,000 और 42,200 में गाइज बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला था आपको कि आप बैंक निफ्टी को सेल करिए अगर 42,200 के अराउंड आता है, और 43,000 का आपको स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल करना है, डेफिनेट सेल करना है और आपको पैसा बनेगा। तो गाइज आज के में डेफिनेटली अगर आपने कल का व्यू सुना होगा तो डेफिनेटली आपका पैसा बना होगा। और डाउन साइड में मैंने आपको बोला था 38,200 आएगा, जो कि कल या परसों तक हमें आते हुए दिखना चाहिए, ये बात बहुत श्योर है। तो आपका 38,200 नीचे का एक सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। अब पॉइंट ये बात कर लेते हैं कि आज के पूरे दिन में क्या हुआ। दोस्तों आज के पूरे दिन में अगर हम पूरा आउटलुक देखें तो सेम निफ्टी जैसा मूवमेंट था। फर्स्ट 4 आवर्स वॉज बुलिश, अगर आर्ली कैंडल देखें तो फर्स्ट 4 आवर बुलिश थे। जो गैप अप था वो गैप अप फिल किया गया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बना। सो दिस वॉज आर लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया, एंड एग्जैक्टली वहीं से हमें काफ़ी प्रेशर आते हुए दिखा। और प्रेशर आपका इतना हाई था कि नीचे वाला जो लो था वो रीटेस्ट हुआ, इट हैज़ मेड अ डबल बॉटम काइंड ऑफ थिंग, लेकिन रिकवरी अच्छी खासी थी तो ऑलमोस्ट वहीं आके बंद हुए। तो अगर आप डे कैंडल देखेंगे तो डे कैंडल वॉज लाइक अ बियरिश कैंडल आफ्टर 2 डेज अप मूव। पॉइंट ये है कि क्या ये जो मूव थी ये एग्जिट करने का बेहतरीन एरिया था या हमने कुछ मिस कर दिया। तो गाइस अभी जो मूवमेंट चल रहा है ये तो वॉलेटाइल मूवमेंट था, लेकिन डेफिनेटली ये जो मूवमेंट है ये अभी भी फिनिश नहीं होने वाले हैं। हम आने वाले कल 1-2 दिन में फिर से हम हाई वॉलिटिलिटी देखेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे जो रेंज बाउंड सिचुएशन है उसको होते हुए देखेंगे। रेंज बाउंड कैसे, अगर मैं इसकी विक्स खत्म कर देता हूँ दोस्तों तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो अब सिचुएशन बन रही है ना, काइंड ऑफ रेंज बाउंड सिचुएशन है, इसको हम रेंज बाउंड सिचुएशन बोलते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा साइडलाइंस पर रहना है। और मार्केट में जो अदानी का मूव बना है गाइज, वो एक्चुअली मार्केट में डराने वाला है और मार्केट उस पर रिएक्ट कर भी रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि थोड़ा सा जब भी हम काम कर रहे हैं उस पर संभल के काम करें, और अपने मूव को हमारे मूव के साथ मैच करने के लिए आपको हमारे लाइव सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे, जहाँ पे हम जो व्यू है अपना वो शेयर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली टुडे आई पर्सनली हैव मेड 2,75,000। माई मेम्बर्स, लाइव मेम्बर्स जो भी मेरे को ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने करीबन 1.3 लैक्स बनाए हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड किसी ने 70,000 बनाए, किसी ने 28,000 बनाए, द पीपल हैव मेड मनी। सो गाइज दिस इज़ वेरी इंटरेक्टिव सेशंस, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ ज्वाइन करिए, डू नॉट मिस कि आप वहाँ पे कुछ मिस करें। एंड अगर आप उसको नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मैं इवनिंग में वीडियोज़ डाल रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो चेक करिए और डेफिनेटली उसके हिसाब से अपना व्यू देखिए। दूसरी बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे मेंबर नहीं है दोस्तों तो ये राइट हैंड साइड पे आपको QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। सो विद दिस नोट गाइस, कल है एक्सपायरी, कल मैं आपसे बात करूंगा, लाइव सेशन में रहूंगा और कुछ ट्रेड्स भी बताऊंगा। प्लस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन ट्रेड्स पे बहुत केयरफुली वर्क करें, और जो भी आपका स्टॉप लॉसेस उनके साथ वर्क करें, क्योंकि हम कोई भी ट्रेड बताते हैं और आपने अगर सिर्फ टेलीग्राम चैनल किया, लाइव चैनल नहीं किया, तो बेसिकली हो क्या सकता है दोस्तों, हो सकता है कि हम वहाँ पे कुछ अपडेट दे दें लेकिन टेलीग्राम पे नहीं दे पाएँ, तो आपसे वो मिस हो सकता है। तो जो भी मैं दे रहा हूँ अपनी कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस डिप्लॉय करिए और तो ही वर्क करिए। विद दिस नोट गाइस, थैंक्स अ लॉट, होप यू आर वॉचिंग एंड लाइकिंग दीज वीडियोज, इफ सो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।